मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 12 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में सीट शेयरिंग का क्या और कैसे हिसाब होगा इस पर बात हुई। आगे की रणनीति पर अलग अलग दल के नेताओं ने बात की। जेडीयू से मंत्री संजय झा शामिल हुए। पहले से तय था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होंगे, लेकिन वे अचानक बीमार हो गए, जिसके चलते संजय झा को भेजा गया था। बैठक के बाद बुधवार की शाम मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताया। संजय झा ने कहा कि बैठक में पहला जातीय जनगणना मुद्दा था। 12 दल थे, सबने निर्णय लिया कि यह देश भर में हो। वहीं दूसरी बात सीट शेयरिंग पर हुई। इस पर यह तय हुआ कि हर पार्टी तय करे कि राज्यवार कमेटी बनाकर एक टाइम फ्रेम में इसे कर ले। उम्मीद है कि अक्टूबर तक ये तय हो जाएगा। एक सवाल पर कि मीटिंग में रैली को लेकर बात हुई है, कहां कहां रैली होगी, इस सवाल पर जेडीयू मंत्री संजय झा ने कहा कि पहली रैली भोपाल में होगी। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, करप्शन आदि को लेकर यह होगा। इसके बाद फैज वाइज तय होगा कि रैली कहां कहां होगी। वहीं एक और सवाल पर कि कहां जा रहा है कि विशेष सत्र जो बुलाई गई जा रही है संसद में, इस पर भी बात हुई है। इसके जवाब में संजय झा ने कहा कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के यहाँ बैठक हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति में 14 सदस्य हैं। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ईडी के समक्ष पेशी के कारण शामिल नहीं हो सके। आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि जाति जनगणना अहम मसला है, जिसके ऊपर इंडिया अलायंस में बात होनी है, और लगातार 2024 के लिए इंडिया अलायंस यहां पर एनडीए या बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।